हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हो। तो जैसा कि हम लोग 9th क्लास में फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे थे और न्यूटन फर्स्ट लॉ लोगों ने कवर किया था, और आज जो है हम लोग न्यूटन का सेकेंड नियम जो है न्यूटन सेकेंड लॉ कवर करने वाले हैं। ठीक, तो न्यूटन सेकेंड लॉ है क्या उसके बारे में आज हम बात। न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन ने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणा। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, प्रोपोर्शनल ये जो साइन है दिख रहा आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है, मैं अगर लिख दूँ प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स उसके मास और एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट अप्लाई होता है, और ये कांस्टेंट होगा या फिर इक्वल टू के कांस्टेंट मान लेंगे और यम ए। ठीक है, फिर इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया तो यहाँ से के की वैल्यू जो है 1 आई, तो यहाँ से यफ इज इक्वल टू हो गया यम इंटू ए। सिंपल सी बात, यफ इज इक्वल टू कितना हो गया, यम इंटू ए हो गया। ठीक है, ये न्यूटन ने बताया अपने सेकंड लॉ। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग पहले इतना ही पढ़ेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, रिवाइज करा दूँ कि कोई भी फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ऐसा न्यूटन ने बताया, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाने के लिए हमको एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। जब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू एक रख देते हैं तो यहाँ से यफ इज इक्वल टू हो जाता है यम इंटू ए। बस ये हो गई बात। ठीक, इसके बाद जो है हम ये समझेंगे कि अब ये फोर्स हो गया, फोर्स का ये फार्मूला आपके सामने आ गया यम इंटू ए। अब हम लोग समझेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहाँ से अगर आप समझेंगे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो यहाँ से आप समझिए, मैंने पहले लेक्चर में शायद मैंने बताया था कि यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एमकेएस सिस्टम में जो होता है यह होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, क्लास 9th के बच्चे जो है जैसे ही 8th क्रॉस करके आते हैं 9th में इंटर करते हैं बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं, एकदम हलवा समझिए, बिल्कुल एकदम कचरा। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, एक्चुअली में हमारा फार्मूला होता है यह फिजिकल यम इंटू ए, लेकिन यहाँ एमकेएस सिस्टम में निकालना है, तो यम मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये मास है, तो मास कहाँ रहेगा, किलोग्राम में। तो हम लोग एक यूनिट ले लेंगे कि जैसे एक मान लेंगे कि हमारा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यम इज इक्वल टू कितना है उसका, 1 किलोग्राम है। ठीक है, मास कितना है, 1 किलोग्राम। एक्सीलरेशन उसका मान लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेंगे। ठीक, ये एमकेएस सिस्टम में यूनिट ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 1 किलोग्राम × 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया यफ, और ये जो आया यही क्या है हमारा, 1 न्यूटन। यानी कि यफ इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 न्यूटन। तो हम लोग 1 न्यूटन की डेफिनेशन दे सकते हैं कि 1 न्यूटन वह फोर्स है, यानी कि द 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सीलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। यानी कि 1 किलोग्राम मास में कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दे, उसको हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन।
ठीक है। तो आपको समझ गया कि नहीं समझ गया वन न्यूटन क्या होता है। अब यहीं पे समझेंगे डाइन, वन डाइन क्या होता है, इसको भी यही समझ लेंगे ठीक है। तो बस डाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, डाइन एक्चुअली सीजीएस में होता है, किसमें होता है, सीजीएस में, सीजीएस। तो सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। तो इसमें हम लोग वैल्यू लेंगे एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, और जब सीजीएस में वैल्यू लेंगे तो हमारा मास कायम हो जाएगा, वन ग्राम होगा ठीक है, एक्सीलरेशन कायम होगा, वन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ पे मीटर था, यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं वन डाइम ठीक है। तो ये हो गया एफ इज इक्वल टू वन डाइम। तो हम लोग ऐसे ही जैसे तरह हम लोगों ने इसमें बोला कि, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं वन डाइम इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस वन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास वन ग्राम। यहाँ ग्राम बोलना है, वहाँ किलोग्राम बोलते थे, ये सीजीएस है इसलिए ग्राम, यहाँ एमकेएस था इसलिए यहाँ किलोग्राम ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने की बात है। तो एक ग्राम यानी कि हमारा वन डाइम भी हो गया, वन न्यूटन भी हो गया ठीक है। ये दोनों ही काहे के यूनिट है, तो यूनिट ऑफ फोर्स है। एक और होता है किलोग्राम वेट, क्या होता है इसको भी मैं इधर साइड में समझा दूंगा कि वन किलोग्राम वेट ये होता है किसके बराबर। तो ये होता है वन किलोग्राम यानी कि वन किलोग्राम ठीक है, और वेट यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ फार्मूला हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू या इन टू जी। अच्छा बताइए डब्ल्यू जो होता है वेट वो फोर्स के बराबर ही होता है, क्योंकि डब्ल्यू वेट वेट जो होता है एक प्रकार का फोर्स लगाया होता है ठीक है, एक तरह की फोर्स ही है। क्योंकि जो हम लोग जमीन पे या धरती पे या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर अपने वेट के द्वारा एक फोर्स लगाता है, तो उस वेट को फोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ से ये फोर्स ही है ठीक। तो इसकी यूनिट भी तो न्यूटन ही होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग किलोग्राम वेट की बात कर रहे हैं, किलोग्राम वेट ठीक है। तो यम का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे, और ये वेट का जो वेट जो फोर्स होता है वो किस वजह से आता है, किस वजह से फील होता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है हर समय ऑब्जेक्ट को अपने नीचे अपनी ओर अपनी तरफ खींचे हुए है ठीक है। तो इसलिए यहाँ से यम इंटू जी आता है, और यहाँ पे यम मतलब मास मान लीजिए वन किलोग्राम, और ये जी, जी का मान क्या मान लें, जी का मान होता है एक्चुअली में जी जो होता है ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इस जी का मान होता है 9.8, यहाँ से आ जाएगा 9.8 न्यूटन ठीक है। तो वन किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। वन किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो तीन यूनिट हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, न्यूटन पढ़ा, डाइन पढ़ा, और लास्ट में हम लोगों ने एक पढ़ा किलोग्राम वेट। वन किलोग्राम वेट इज इक्वल टू कितना न्यूटन, 9.8 न्यूटन होता है ठीक है। इतना पढ़ने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे सबसे पहले, और हम लोग पढ़ेंगे कि मोमेंटम क्या होता है। और इसका अगली हेडिंग हम लोग के सामने प्रस्तुत होने जा रहा है कि व्हाट इज अ मोमेंटम, व्हाट इज अ मोमेंटम, क्या मोमेंटम ठीक है। तो मोमेंटम को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और ये हो गया हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में अभी हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो क्या है, लेकिन मोमेंटम पढ़ने के बाद, क्या पढ़ने के बाद, मोमेंटम पढ़ने के बाद एक्चुअल जो न्यूटन सेकेंड लॉ होता है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग का मोमेंटम पढ़ने के बाद। एक्चुअल में ये होता है कि हमारा जो फोर्स होता है ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब भी द रेट ऑफ चेंज बोला जाए यानी कि टाइम से डिवाइड करना है, और किसका चेंज बोला जा रहा है, मोमेंटम का, तो मोमेंटम ऊपर रहेगा, और द रेट ऑफ चेंज यानी कि हमेशा टाइम क्या रहेगा, नीचे बियॉन्ड, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए टाइम ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ जो असली वाला है वो ये है, एक्चुअल में दोनों सेम, दोनों सही हैं, ये और ये दोनों एक ही है ठीक है। इसका भी डेरिवेशन हम लोग ये दोनों एफ इज इक्वल टू एम ए और एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये दोनों एक ही हैं। अभी हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे, इससे जो है हम लोग इसको प्रूव करेंगे ठीक है, या फिर हम इससे जो है इसको प्रूव कर सकते हैं ठीक। तो ये दोनों एक ही है दोनों, इसलिए न्यूटन सेकेंड लॉ दोनों ही हैं ठीक। तो अभी हम लोग देखेंगे कि तो ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि मोमेंटम क्या होता है। तो आइए और हमारे साथ बने रहिए, समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को ये लिखा जाता है, आप स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग जरूर जानिए, ये है मोमेंटम ठीक है, मोमेंटम। लेकिन इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल पी से,
मोमेंटम को किससे से डिनोट किया जाता है? कैपिटल पी से। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल पी से। ठीक है, तो कैपिटल पी से मोमेंटम को डिनोट किया जाता है। एक्चुअल में ये होता क्या है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट मोमेंटम क्या है, समझिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, मास है, तो जब आप किसी मास को, एक्चुअल में किसी मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेंगे उसका मास होगा, तो किसी भी मास को अगर आप वी वेलोसिटी से चला देते हैं, किसी भी मास को अगर वी वेलोसिटी से आप चला देते हैं, तो उसके अंदर आ जाता है मोमेंटम। क्या आ जाता है? मोमेंटम। हिंदी में इसका नाम है संवेग। हिंदी में भी नाम लिख देते हैं संवेग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाता है? संवेग। इस अगर इसको इस मार्कर को, जो कि एक मास है खुद, इसमें मास तो है ना, इसका मास तो है, इसको अगर हम वी वेलोसिटी से चला देते हैं, गिर गया, छोड़ो दूसरा मार्कर। ठीक है, तो जैसे ये मार्कर है प्यारे बच्चों, और इस मार्कर को अगर वी वेलोसिटी से हम लोग चला देते हैं, तो प्यारे बच्चों जैसे कि ये मार्कर है, और इस मार्कर को अगर हम वी वेलोसिटी से चला दें, यानी कि एक मास है, किसी भी मास को अगर आप वी वेलोसिटी से चला देते हैं, तो उसके अंदर आ जाता है मोमेंटम। क्या आ जाता है? मोमेंटम। तो ये इसका फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि मोमेंटम क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ये होता है मोमेंटम। ठीक, ये क्या होता है? मोमेंटम। अब हमने ये भी बोला था कि अगर किसी भी हम लोग क्वांटिटी के बारे में बात करें, तो उसके तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो डिफिनीशन, तो डिफिनीशन को हम लोगों ने देख ही लिया कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट है। ठीक, अब दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट ऑफ पी, यूनिट ऑफ पी, यूनिट ऑफ पी निकालने के लिए हमको यूनिट ऑफ एम निकालनी पड़ेगी, इनटू करना पड़ेगा यूनिट ऑफ वी, यूनिट ऑफ एम निकालने इनटू यूनिट ऑफ वी निकालते हैं, लिखते हैं, तो यूनिट ऑफ एम किलोग्राम, और यूनिट ऑफ वी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट किसका हो गया? मोमेंटम का। यूनिट किसका हो गया बेटा? यूनिट हो गया मोमेंटम का, यूनिट ऑफ मोमेंटम, पी का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब बात यह आती है कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी ऐसे वेलोसिटी चेंज करोगे, डायरेक्शन की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो ये मोमेंटम के बारे में इतनी बातें हो गई, ये आपको आनी चाहिए। तो मोमेंटम क्या है? किसी भी मास को आप क्या कर दें, किसी वेलोसिटी से चला दें, वही हो जाता है मोमेंटम। उसके अंदर क्या आ जाता है? मोमेंटम। और ये होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, इसका फार्मूला है। यानी हम लोग कह सकते हैं इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब जस्ट, तो अब इसके बाद वही आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था? F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, लेकिन अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेकेंड लॉ में ये भी होता है, सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसको क्या पढ़ेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इस चीज को मैंने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहीं पे टीचर बहुत सारे गलती कर जाते हैं, वो पहले ही ये चीज़ बता देते हैं, लेकिन पहले नहीं बताना चाहिए, पहले आपको मोमेंटम पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोमेंटम तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ बोलूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है, लेकिन आपको मोमेंटम पता ही नहीं, इसलिए ये सब सारी बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। ठीक, अभी ये आप लोग का बेस है, शुरुआत है, यहीं से आप चीज़ों को नहीं ध्यान देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है उसका ये वाला फार्मूला जो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इसको हम कल बात करेंगे इसके बारे में, मतलब डिटेल।